एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, अगर नहीं करा हुआ और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइज आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सिर्फ एक मिनट लगेगा पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो पे कम से कम 3000 तक तो व्यूज आ ही रहे हैं, 2 दिन में आ जाते हैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फैन फिक्शन पे। पर आप अगर आप मेरे लाइक देखो तो 1 दिन भी हम लोग 1000 को टच नहीं कर पाए हैं। मैं जानती हूँ लाइक करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बट जितने भी हैं प्लीज लाइक कर दो ना यार, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी कल इसका लास्ट पार्ट आएगा तो इस लास्ट पार्ट से पहले पहले अगर आप मुझे 1000 एक किसी वीडियो पे लाइक दिखा देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं नए फिक्शन को जल्द से जल्द लाऊं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिंग्याओ का सच सबके सामने आ गया और यहाँ तक कि सब लोगों ने पूरा पासा पलट दिया। अब मिंग्याओ है जो घुट्टों पे बैठा हुआ है और उसे सजा देने की बात हो रही है। अब आगे वांग जी और शिचैन दोबारा से अपने अंकल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हाँ अंकल, इस इंसान की सबसे बड़ी सजा तो यही होगी जब इसे महसूस होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, जब इसे वो गिल्ट वाला एहसास होगा। किसी भी इंसान को सजा दे दो पर उसके बाद भी वो अपनी गलती को ना माने जब तक उसे अपने करे हुए पे गुनाह पे पछतावा ना हो, वो सजा बेकार है। और हम चाहते हैं कि ये पछताए, ये जीवन भर तक जब तक जिंदा रहे अपने करे हुए मतलब डिसीजन पे, अपने फैसलों पे पछताए। और इसी कारण आज इसकी सबसे बड़ी सजा यही रहेगी। और ये बोलने के बाद शिचैन और वांग जी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ से एक एजेड सी लेडी एंट्री कर रही है। और उस लेडी को देख के मिंग्याओ और बाकी सब लोग शॉक हैं। उस लेडी के पीछे पीछे जैन फेमिया भी हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। जैन फेमिया के थ्रू ही इस लेडी को यहाँ लाया गया है। पीछे पीछे मतलब जिन सेक्ट लीडर यानी जिन गौनशान और उनका बेटा जिन जुशान है, साथ में असली यानली भी है। ये लोग जब इस हॉल में एंट्री करते हैं तो इन्हें देखकर काफ़ी लोग पूरी तरह से शॉक हैं। वहीं याली इस समय पर्टिकुलरली इस समय जब वो एंट्री कर रही है तो उसका वो बड़ा सा टमी यानी वो प्रेग्नेंट है साफ दिख रहा है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े कुछ लोग शॉक हैं, जैसे कि जो लोग यानली को एक तरीके से लैंडलाइन की क्वीन मानते थे वो लोग शॉक हैं, क्योंकि यानली तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले प्रेग्नेंट नहीं थी और अब इतना बड़ा टमी, तो वो लोग शॉकिंगली ये चीज़ देख रहे हैं। वहीं अब अचानक से उस लेडी को देखकर मिंग्याओ अपनी जगह से खड़े होकर मदर मदर करने लगता है, जिस बात पे अब मैडम लैन भी शॉक है और बाकी सब लोग भी शॉक है। जिस चीज पे वो लेडी मिंग्याओ के पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदर की बहन हूँ। मैं जानती हूँ मुझे देखकर तुम्हें अपनी मदर की याद आ गई होगी, क्योंकि हम दोनों बहनें काफ़ी हद तक एक जैसी ही दिखती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। इस बात पे अब मिंग्याओ आंसू भरी आंखों से उस लेडी की तरफ देखने लगता है। वो लेडी बोलती है, मुझे तुम्हारे जन्म का बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी करी थी जब तुम्हारी मदर की डेथ का मुझे पता चला, लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि तुम लैंड क्लैन में रह रहे हो। लैंड क्लैन के उस समय के किंग के छोटे भाई यानी मास्टर लैंड ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। और ये सुन के मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं लैंड क्लैन के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने और मेरी बहन ने अपना सारा जीवन यहीं तो बिताया था, तो इस क्लैन में तुम पलो बढ़ो, ये सुन के ही मैं बहुत खुश थी। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल रही, मुझे तो तुरंत तुम्हारे पास आना था, क्योंकि तुम्हारी माँ का असली सच तुम्हें जो बताना था। तुम्हें अभी जो भी बातें कहीं वो सब मैंने सुनी और ये सब झूठ है। तुम्हारी माँ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा तुम्हें बताया गया है या जो तुम्हारी माँ ने अपने बारे में बताया। यार ये बात बोलने के बाद अब वो लेडी अपने कपड़ों में से एक डायरी भी निकाल के अब मिंग्याओ की तरफ फेंकती है और बोलती है, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम ये डायरी भी पढ़ सकते हो। ये तुम्हारी ही मदर की डायरी थी जो शायद मेरी शादी से पहले मेरे कुछ सामान के साथ धोखे में मैं अपनी शादी के सामान में ले गई थी। ये तब तक की डायरी है जब तक मैं इस लैंड क्लैन में थी। उस समय भी तुम्हारी माँ की सोच कितनी गिरी हुई थी, शादीशुदा परिवार के बीच में, जोड़े के बीच में वो आ घुसना चाहती थी। किस तरीके से उसकी गंदी नज़र हमेशा से चिंगे जिनके ऊपर थी, वो हमेशा से मैडम लैन की जगह लेने के लिए कैसे छल कपट की और प्लानिंग करती थी, ये सब डायरी में लिखा है। यहाँ तक कि तुम्हारी मदर का सच जानने के बाद भी मैडम लैन ने उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि एक मौका दिया था मैडम लैन ने और हम सब इन लैंड क्लैन वालों ने तुम्हारी मदर को फिर भी एक मौका दिया था। जब मेरी शादी हुई थी
तब तुम्हारी मदर से भी पूछा गया था मेरे ही देवर से उनकी शादी के लिए, लेकिन तुम्हारी मदर ने मेरे जैसे एक गरीब परिवार या ये कह लीजिए बिना शानो शौकत वाले परिवार में एक आम से परिवार में शादी करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ की सोच पहले से बचपन से ही बहुत ज़्यादा लालची थी। वो हमेशा से किसी सेक्ट लीडर की ही वाइफ बनना चाहती थी और इस काम में उसे जो भी करना पड़े वो कर सकती थी। उसे मेरे तरह एक आराम सी व नॉर्मल सी जिंदगी नहीं बल्कि एक रानियों वाली जिंदगी जीनी थी और इसी कारण उसने शादी से साफ मना कर दिया और वो लैंडलाइन से खुद चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं अब लैंडलाइन वाले उसे रोके मतलब कहीं ना कहीं उसकी शादी ज़रूर कर देंगे और इसी कारण वो वहाँ से निकल गई थी। पर तुम्हारी माँ कई आगे जाकर इस तरीके से और गिरे हुए काम कर सकती थी, ये उम्मीद शायद लैंडलाइन ने भी नहीं सोची होगी, क्योंकि अगला उनका निशाना कोई यह नहीं बल्कि जिन सेक्ट लीडर जिन गौनशान था जिसको उसने अच्छी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। जैसे एक समय वो लैंडलाइन के सेक्ट लीडर को फंसाना चाहती थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। किस तरीके से तुम्हारी माँ ने आखिरी मोमेंट पे तुम्हें जन्म लैंजिन क्लैन में ना देकर वहाँ से भाग गई और उसके बाद तुम्हें कब कहाँ जन्म दिया क्या पाला पोसा या क्या सिखाया वो हम सब नहीं जानते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो औरत इतनी गिरी हुई थी कि उसे लगा कि क्यों ना वो तुम्हारे सहारे अपनी नफरत को सबके सामने ऊपर निकाले। मरते मरते वो तुम्हें सारी ही गलत और झूठी बात ही बोलकर गई है, यकीन नहीं आता तो खुद इस डायरी को पढ़ लो। अब जब एक उसकी माँ के परिवार से रिलेटेड इंसान ये बात बोल रहा है तो मिंग्या अभी भी गुस्से में गर्दन हिला ही रहा था जब उसके हाथ में वो डायरी वो खुश खोलता है और एकदम से शॉक हो जाता है तो ये सचमुच में ये उसकी माँ की ही हैंडराइटिंग है। कुछ पेपर्स कुछ उनके माँ के लिखे हुए लेटर अभी भी उसके पास हैं और ये राइटिंग बिल्कुल वही है। कोई भी इंसान अपने क्लोज वन की हैंडराइटिंग तुरंत पहचान जाता है तो मिंग्या भी अपनी माँ की हैंडराइटिंग पहचान गया। जैसे जैसे डायरी के पेजेस पलट रहे हैं उसकी माँ ने कैसे यहाँ रह के गलत गलत काम किए, कैसे वो प्लानिंग करती थी, कैसे उसने नशे में मतलब चिंगेजिन को करके उनकी वाइफ बनने की कोशिश करने के लिए क्या सोचा था, वो सब इसमें लिखा हुआ है। और ये जानने के बाद अब मिंग्या पूरी तरह से शॉक है, क्योंकि सचमुच में उसका आज वो भरम टूट गया जिस भरम में जिस इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो बचपन से रह रहा था, यानी उसकी माँ का झूठ जो अब उसकी आँखों के सामने आ गया। अब उसकी आंखों से अब पछतावे के आंसू निकल रहे, क्योंकि उसके पास सब कुछ था जो कि उसे भगवान ने दिया यानी उसकी किस्मत ने दिया था, जैसे एक प्यार करने वाला परिवार, एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए हर चीज़ की जो चाहिए वो ज़रूरतमंद की हर चीज़ उसे मिलती थी। अभी भी वो अडॉप्टेड फादर जो अभी भी उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, जिनके बारे में उसने हमेशा गलत ही सोचा, वो फादर और वो लैंशी जिसने दिल से उसे प्यार किया, उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बाकर भी सब कुछ अपनी नफरत और गुस्से में गवा दिया। और देख जब ये बात वो जानता है तब तक बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि कोई कुछ करता या कहता उससे पहले ही एक बहुत बड़ी तलवार उसके सीने में उतार दी गई है और जिसने ये करा है उसे देख कर सब लोग शॉक हैं। ये कोई और नहीं बल्कि लैंशी के फादर हैं। हाँ, जैसे ही जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी बेगुनाह थी और इस इंसान के कारण मर गई, ये देखकर उसके फादर अब गुस्से में आग बबूला हो गए। वो सोच रहे थे कि लैंडलाइन वाले तो इसे सजा देंगे, लेकिन जब लानकुरैन ने उसे सजाए मौत ना मिले इसकी रिक्वेस्ट करी तब से वो यही इंतज़ार में थे कि कैसे सबके सामने मतलब ध्यान भटकते वो अपना बेटी का बदला ले लें। हाँ, एक बदले में वो ज़िंदगी भर जलता रहा और दूसरे बदले में आज उसकी जान भी चली गई। एक फादर के बदले में जिसकी बच्ची को उसने प्यार करके अपने लिए यूज़ करके मौत के घाट उतार दिया, आज उसी के फादर ने अब उसकी जान ले ली। ये देखकर कुछ गार्ड अब दौड़ के मिंग्या से उस मतलब लैंशी के फादर को दूर करते हैं, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मिंग्या के मुंह से भी काफ़ी खून आया और वो फ्लोर पे गिर गया, जिसे देखकर यहाँ सब लोग शॉक हैं। वहीं लानकुरैन मिंग्या के पास दौड़ के जाके उसे मतलब अपनी गोदी में उसका सर रखते हैं। जब मिंग्या अपनी आखिरी कुछ सांस लेता हुआ अपने अडॉप्टेड फादर की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, मैं आपको अच्छा बेटा बनके नहीं दिखा पाया, मैं आपके लिए एक तरह से श्राप बनके ही रह गया, आपके ना ऊपर एक काला धब्बा बनकर रह गया,
और ये बोलने के बाद मिंग्याओ वहीं पे अपनी जान खत्म कर देते हैं। और जिसके बाद वहाँ सब लोग शॉकिंगली इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से शॉक है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। वहीं जैसे ही मिंग्याओ की सांस निकल मतलब चली जाती है, ये कहते हैं बंद हो जाती है, ये देखकर लैंशी के फादर बहुत खुश होते हैं और वो हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे मेरा बदला मिल गया, मेरी बेटी का कातिल मर गया। शायद उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है अपनी बच्ची की मौत का, इसलिए वो अब ऐसी हरकत कर रहे हैं। उनकी इस हालत को देखकर शायद किंग और बाकी कोई भी उन्हें क्या ही सजा दे, यही सोच रहे हैं। वहीं अब लैंशी के फादर को सब लोग वहाँ से ले जाने का इशारा करते हैं, मिंग्याओ की डेड बॉडी भी वहाँ से ले जाने का इशारा होता है। वहीं अब लान कुरैन अब उसी जगह बैठे हैं जिन्हें प्यार से अब आगे बढ़ के दोबारा से वांग जी और शिचैन उठा के खड़ा करते हैं। अब बोलते हैं, अंकल आप दिल छोटा मत कीजिए, हम जानते हैं आपने अपना बेटा गंवाया है, लेकिन आपने हमेशा से उसे एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसकी गलती थी कि वो आपके प्यार को समझ नहीं पाया। आपने हमेशा से उसे हमारे दोनों की तरह ही पाला पोसा बड़ा किया, उसकी हर इच्छाएं पूरी करी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया, ये उसकी जीवन का सबसे बड़ी गलती रही। ये भी बोल के शिचैन और वांग जी कुरैन को संभालने लगते हैं। वहीं कुरैन भी रोते हुए अब शिचैन को अपने गले लगा लेते हैं। वहीं शिचैन बड़े प्यार से अपने अंकल की कमर को सहरा रहे हैं और यहाँ पे खड़ा हर कोई ये इमोशनल सीन देखकर भावुक हो रहा है। अब सारे के सारे लैंडक्लैन के सीनियर्स बुजुर्ग या एल्डर्स अब एक पर्सन को घूर घूर के देख रहे हैं। अब वो कोई और नहीं बल्कि यानली है, क्योंकि यानली को यहाँ देखकर कुछ सब लोग शौक है। जैसे मैंने बताया वो यानली की तरह ही विंग गेटअप करता है, बट अब वो अधिकतर अपना फेस कवर करके रखता था, लेकिन अब जब वो यानली की तरह गेटअप में एक और लेडी खड़ी है और वो भी प्रेग्नेंट, ये देखकर वो लोग शौक है। वहीं यानली इन सबके इन क्वेश्चन भरी नज़रों को देखकर समझने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कोई कुछ बोलता एक सीनियर एकदम से आगे आके बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई क्वीन? तुम तो परसों तक बिल्कुल ठीक थी, पर अब तुम्हें देखकर साफ लग रहा है कि तुम काफ़ी मन से प्रेग्नेंट हो, पर ऐसा हुआ कैसे? अचानक से ये बात सुनकर अब सबका ध्यान यानली की तरफ जाता है। वहीं वीन जो कोने में आराम से खड़ा था वो ये बात सुन के ऑलमोस्ट अपनी जगह से जैसे जंप कर जाता है, क्योंकि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अभी तो उसका सच सबके सामने आना बाकी है, यानी सारे क्लैन के सामने ये सच तो अभी तक आया ही नहीं कि वांगजी की शादी यानली नहीं बल्कि एक मेल और वो भी वी वुशियान से हुई है। इसलिए वो लोग इन क्वेश्चन के बाद अब विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं वांग जी विंग को बहुत गुस्से में घूर घूर के देख रहा है, क्योंकि उनके प्लान के अकॉर्डिंग विंग को इस तरह से रात में गायब नहीं होना था। ये विंग के लिए भी सबको बिना बताए चुपचाप से करावा एक ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इसलिए वांग जी अभी तो विंग से बहुत नाराज़ है और इसीलिए वो एक गुस्से में विंग की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं बाकी सब लोग जो वांग जी को देख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। अब अचानक से वांग जी विंग को हाथ से पकड़ के अपने कंधे पर डाल लेते हैं, जैसे एक आलू की बोरी को डाल लेते हैं, जिसे विंग पूरी तरह से शौक है। अब वहाँ बाकी खड़े हुए सब लोग शौक है। वांग जी अब सबको इग्नोर करके गुस्से में विंग को ऐसे ही गोदी में उठा के या ये कह दीजिए कंधे पर डाल के वहाँ से जाने लगता है, जिसे कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहीं इस नज़ारे को देख के जनचा शौक है और वहीं जैन फैमिया भी, लेकिन वो दोनों अभी मतलब जांग्स क्लैन की से जिस पर्सन की शादी हुई है उसके बारे में सबको बताने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। वहीं जैसे ही वांग जी और ये विंग यहाँ से बाहर जाते हैं तो अचानक से शिचैन बोलना शुरू करते हैं, आप सबके सब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सबके दिमाग में जो सब सवाल चल रहे हैं उन सबका जवाब मैं दूंगा। कहीं ना कहीं आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि ये क्या हो रहा है, और मैं आपको आज वो सब सच बताऊंगा। असलियत में वह मेरे छोटे भाई यानी लांग वांग जी की शादी जियांग्स क्लैन की राजकुमारी यानी नहीं बल्कि जियांग सेक के सेनापति यानी हमारे डिवी वुशियान बिना इलिंग पेट्रियार्क से हो गई है। उस दिन जिससे सबके बीच में शादी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि वी वुशियान थे, और इतने समय से वो ही हमारे क्लैन में रह रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे थे ताकि हम असली कल्प्रेट को पकड़ सकें, और इसी कारण वो जियांग याली बन के आप सबके सामने थे। ये बात जानने के बाद कुछ सीनियर्स
तो पूरी तरह से शॉक में है और कुछ तो बेहोश ही हो गए, चक्कर खा के जमीन पे गिर गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि उनके सेकंड प्रिंस की शादी ईलिंग पिट्राक से हो गई और इतने दिन से वो ईलिंग पिट्राक सारे ग्लैंड ग्लैंड को धोखा दे रहा था। किसी को भी पता नहीं चला कि यानली कोई और नहीं बल्कि एक मेल थी। यही चीज जब सब लोग सोच रहे हैं तो कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, वहीं कोने में खड़े कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी भी आ गई है। अब सारी बातें क्लियरली बताई गई और उसके बाद बाकी सीनियर्स अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो क्या बोलें, अब वो कैसे ईलिंग पिट्राक के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। ऑब्वियसली ईलिंग पिट्राक ने साथ दिया और अब जब सब मेन कल्प्रेट कभी जिन क्लैन था ही नहीं तो जिन क्लैन के सेनापति बनकर विंग को मतलब एक तरह से नेगेटिव सोचना अब गलत है क्योंकि विंग तो एक तरीके से अपनी जगह सही ही था। जब कोई कल्प्रेट नहीं था तो वो बेचारे क्यों आगे बढ़ के अपनी बिना बात के अपनी क्लैन को किसी और के हवाले कर देते। बाद में सब लोग मिलकर जिन क्लैन से माफ़ी भी मांगते हैं जिनमें सबसे आगे लान कुरैन है। लान कुरैन आगे आके जिन गोंशान से माफ़ी मांगते हैं कि उनके क्लैन ने उनके पूरे क्लैन को बर्बाद कर दिया और वो उस चीज़ के लिए बहुत पछताते हैं क्योंकि उन्हें सच पता ही नहीं था। इसलिए अब जिन क्लैन को वापस मतलब एक तरीके से जिन गोंशान की फैमिली को ही हैंड ओवर किया जाएगा। भाई जिन गोंशान अपनी वाइफ को पहले ही गंवा चुके हैं और अब उस मतलब एक तरह से क्लैन को संभालने की जगह अपने बेटे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और वो लोग सबके बीच में अनाउंस भी करते हैं कि उनके बेटे और उनकी बहू यानी एक तरीके से अब जिन फॉरन यानली बनेगी और उन दोनों की एक धूमधाम से शादी भी होगी जिसमें सब लोग खुशी से शामिल होने की बात भी करते हैं। वहीं पहले से जियांग यानली किसी और के बच्चे की मदर हैं या एक तरीके से कहें किसी और की वाइफ हैं तो बाकी लैंड क्लैन के लोग ज़बरदस्ती दोबारा यानली से वांग जी की शादी की बात भी नहीं करते हैं और जिससे वांग जी की ऑलरेडी शादी हुई है उसे ही एक्सेप्ट करने की डिसीजन लेते हैं। वहीं इन चीज़ से मैडम लैन जो गुस्से में शॉकिंगली कोने में खड़ी हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि क्यों कि उनके बेटे की शादी उस वावी वुशान से हो गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी वुशान से थोड़ा नाराज़ है। उनकी इस नाराज़गी को देखकर आगे बढ़ के जियांग फैमिली उनके पास आके कुछ बोलते हैं। मैं जानता हूँ मैडम लैन आप हमारे क्लैन से बहुत नाराज़ हैं इसलिए आप जो चाहें हमारे क्लैन को सजा दे सकते हैं पर मेरी एक बात आप ज़रूर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। वी वुशान जैसा एक अच्छा और नेक लाइफ पार्टनर आपके बेटे को मिल रहा है ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। विंग जैसा पार्टनर किसी को जल्दी से नहीं मिल सकता। आप शायद अभी तक उसे पहचान नहीं पाई लेकिन मैं आज उसकी असलियत आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि आप ही की बेस्ट फ्रेंड जांसा सरन और वी जांसे का बेटा है जो कि मेरे क्लैन में पढ़ रहा था। मेरे ही क्लैन में उसने उसकी परवरिश हुई लेकिन मुझे पछतावा है कि मैं उसका सच सबके सारे क्लैंस के सामने नहीं बता पाया। उसका कारण मेरी वाइफ थी वो वाइफ जो इस समय उस महल में कैद है। आज के बाद मैडम यू या मेरी वाइफ कभी भी आपके क्लैन के या इस किसी भी और क्लैन के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करेगी। शायद ये डिसीजन मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। जो आपके क्लैन ने किया वो काम मुझे बहुत पहले कर लेना था। आपने तो एक गलत इंसान को भी सबके सामने अपना अडॉप्टेड सन मानकर उसको वो इज्जत और सम्मान दिया जो हमारे क्लैन ने कभी विंग को नहीं दिया। विंग मेरा अडॉप्टेड सन होने के बावजूद सबकी नज़रों में सिर्फ एक सेनापति के नाम से ही टाइटल हुआ, कभी भी उसका सच किसी के आगे आया ही नहीं। विंग चांसा सरन और वी चांसेस जैसे एक बहुत बड़े वॉरियर्स का बच्चा था लेकिन कभी भी उसका सच किसी के आगे आया ही नहीं क्योंकि मेरी वाइफ ऐसा चाहती ही नहीं थी। आज मैं उस सब चीज़ों के लिए आपके सबके सामने माफ़ी मांगते हुए विंग का सच आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे ही मैडम लैन को ये बात पता चलती है तो वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उनकी आंखों से तो अब आंसू भी बहने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय पहले उन्हें शक तो हुआ था कि विंग की चेहरा काफ़ी हद तक उनकी दोस्त चांसा सरन से मिलता है लेकिन तब तक वो श्योर नहीं थी। लेकिन अब जब खुद जियांग फैमिया आगे आके सब सच बता रहे हैं तो अब उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा छोटा सा आइन था और वो पहचान नहीं पाई। हाँ उनका छोटा सा आइन जो हमेशा उनके आसपास घूमता रहता था। अपने आइन को अपने पास रखने के बावजूद वो उस पर गुस्सा करती रही, उसे पनिशमेंट देती रही, उस पर उसे उल्टा सीधा सुनाती रही, कई बार उसे घुटनों पर भी बैठाया लेकिन कभी भी उसे प्यार से गले नहीं लगाया।
जिसके लिए वो पहले कितना तड़पती थी, कितने साल तक उन्होंने आइन को ढूंढा भी था, लेकिन जब उन्हें बाद में उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने यही सोचा कि शायद वो हमेशा के लिए अपने आइन को खो चुकी हैं। लेकिन अब उनका आइन उनके पास आ गया, वो देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और वो वहाँ से तो आगे बढ़कर विंग से मिलने के लिए जा ही रही थी, तभी उन्हें वेंचिंग रोक लेती है। ये कह गए कि अभी वो वहाँ ना जाए क्योंकि आज शायद वांग जी और विंग को अकेले में बात करना ज़रूरी है। वहीं मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके बेटे, छोटे बेटे की शादी किसी और से नहीं बल्कि अब आइन से हो गई। थोड़ी देर पहले जो मैडम लैन बहुत गुस्सा थी, सारे लैन क्लैन वालों को घूर घूर के देख रही थी कि वो कैसे उनके बेटे की एक आदमी से शादी, मतलब एक मेल से शादी होगी, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज अब वो एकदम से यू टर्न लेके इतने खुश हैं कि सबके बीच में एक बड़ा समारोह करने की बात कहती हैं, क्योंकि अब उनके पहले बेटे ठीक हो गए हैं और उनके बेटे, दूसरे बेटे के मतलब हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा उनका छोटा सा आइन है। बस यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण बन गई है। अब वो सबके बीच में कल एक बहुत बड़ा समारोह होगा, ये डिसाइड करती हैं। वहीं वेंचिंग भी अब मतलब एक तरीके से मैडम लैन के फैसले पर खुश होती हैं। वैसे भी अब किंग इतने दिन बाद होश में आए हैं तो इस चीज़ की भी सेलिब्रेशन करना बनता था। सब लोग लैन क्लैन में काफ़ी खुश हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर रही हैं, ये देखकर बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरफ कोई है जो गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी है, जो विंग को अब जल्दी से जिनशी में लेके आते हैं और ज़ोर से गेट बंद करके उसे बहुत ज़ोर से बेड पे धक्का दे देते हैं, यही कह देते फेंक देते हैं, जिसे विंग बहुत ज़ोर से आ करके चीखता है और बोलता है, ये तुम क्या करो लंजा, और मुझे कितनी ज़ोर से चोट लगी, ऐसे कोई आलू की बोरी की तरह फेंकता है क्या, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई आलू की बोरी नहीं, तुम मुझे छोड़ के गए कैसे। वांग जी की आवाज़ में बहुत गुस्सा है और बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसे भी जो अभी थोड़ा सा मजाक कर रहा था वो सीरियस होके वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लंजा मैं सिर्फ एक सवाल पूछ का जवाब चाहता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की सोचने की, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे और वापस आओगे तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा। वी विशान तुम्हें आज वो पनिशमेंट मिलेगी जिसके बाद तुम लाइफ टाइम तक मुझे से दूर जाने के बारे में सोच नहीं सकते हो। और ये बोलने के बाद वांग जी तुरंत अपना फोरहेड रिबन खोल के विंग के हाथ ऊपर बेड पे टाई कर देते हैं, जिसे विंग शॉक है कि वांग जी उसे क्या पनिशमेंट देगा, लेकिन वो भी बेचारा जोर जोर से घबराते हुए चीखते बोलता, लंजा भी बात सुनो, लंजा मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लंजा उस समय तुम्हारी मदर की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे डर था कि मैं उनके आसपास रहूंगा तो वो और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, ऊपर से मैं इलिंग पेट्रियार्क हूं, ये सच सबके सामने आ जाएगा तो फिर हमारे हाथ में आई हुई सारी बाजी दूसरे हाथ में चली जाएगी, तुम्हें पता था ना कि अगर गलती से उस समय मैं वहां होता और सबके सामने सच आ जाता तो सब लोग मुझे ही कल्प्रिट मानते, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हारे कमजोरी नहीं बनना चाहता था। लंजा लंजा बेचारा विंग बस यही बड़बड़ा रहा है, पर विंग को वांग जी की इस समय कोई बात समझ और समझ में आई नहीं दे रही है, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस वो सीन चल रहा है जब वो जिनशी में वापस आया था और वांग विंग इस जगह नहीं था, विंग का कोई सामान इस जगह नहीं था, बस विंग के नाम एक हेयर पिन थी जिसे उसने अभी भी मतलब उनके बेड के पास में पड़ी हुई उस टेबल पर रखा हुआ है। और विंग की तरफ वांग जी गुस्से में देखकर धीरे धीरे से विंग के सारे कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जिसे विंग पूरी तरह से शौक है, लंजा तुम करने के क्या वालो, और लंजा पहले मेरा हाथ खोलो, लंजा प्लीज मेरे हाथ खोलो, मैं सच कह रहा हूँ तुम मुझे पनिशमेंट दे देना, मैं तुम्हारी सारी पनिशमेंट लूंगा, पर मैं जेनुइनली तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लंजा मेरी बात सुनो, मैं नहीं गया था लैंड क्लैन से बाहर, मैं लैंड क्लैन में था और मेरी नज़र तुम सब पर ही थी, लंजा लंजा प्लीज मेरे हाथ खोलो, विंग बेचारा बोल रहा है पर वांग जी को क्या कुछ सुनाई दे रहा है, शायद नहीं, इसलिए वांग जी कोई विंग की बात ना सुन के अब विंग के सारे कपड़े उसकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जैसे विंग को ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को पैदा करने के बाद बिल्कुल न्यू बेड पे नहीं लिटाते हैं, बिल्कुल वैसा एक भी कपड़ा उसके शरीर पे नहीं है और वो बिल्कुल न्यू वांग जी के सामने है। वहीं वांग जी अब उसे गुस्से में और लस्ट से भरी हुई नज़रों से देख रहा है, वहीं भी इससे पहले कुछ बोलता वांग जी उसे कुछ भी यानी ना कोई केस ना कोई पहले की तरह प्यार करने की जगह सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ जोर से रखता है, जिसे विंग पूरी तरह से शौक है। वांग जी विंग को धीरे धीरे से हैंड जॉब देने लगता है और जैसे ही विंग को लगता है कि शायद अब वो एक तरीके से रिलीज करने वाला है
उससे पहले ही अब अपने हाथ से उसे रोक देता है, जिसे विंग के मुंह से एकदम से चीख निकलती है। अब ये तुम क्या कर रहे हो लंजा, ये तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, छोड़ो मुझे। पर विंग की आज वांगी इसी तरीके से बहुत देर तक इरिटेट और परेशान करता रहता है। वो विंग को पहले बहुत देर तक इस तरह से प्लेजर देने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसके वो टाइम आ जाता है ताकि जब उसे रिलीज होना उसी समय उसे रोक देते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ड पेनफुल होता है बेसिकली मेंस के लिए। और जो इस समय विंग को हो रहा है उसके बाद अब की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे, और वो बार बार कह रहा है सॉरी आई एम सॉरी लंजा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज लंजा आई वांट यू, प्लीज लंजा प्लीज मुझे मुझे तुम चाहिए, इस समय मुझे वो सब चाहिए लंजा प्लीज आई एम सॉरी। बेचारा विंग अब अपनी गलती मान रहा है, नहीं मांगी तो विंग को आज बिल्कुल भी खुद से टच नहीं करता, बस उसे बार बार यही चीज करके छोड़ देता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि अब बहुत देर हो गई, तो वो विंग के पास से हटके अब उसका हाथ खोलता है और गुस्से में उसके पास बैठ के उसे घूरने लगता है, जिसे विंग अब एकदम से पहले अपने हाथ खोलता है तो सबसे पहले बैठता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है, और जो देखता है उसके बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी की आंखों में आंसू हैं। हाँ, आज वांगजी को विंग ने लाइफ में पहली बार रोते हुए देखा है, जो जेन्युइनली विंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। जो पेन अभी से थोड़ी देर पहले फील हो रहा था उससे भी ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस। और वो ये देखकर तुरंत वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है तुम रो मत लंजा, लंजा प्लीज़ प्लीज़ रो मत, सचमुच में ये सच बहुत ज़्यादा दर्द भरा फीलिंग है जो मुझे इस समय फील हो रही है, लंजा तुम्हारे आंसू मुझे सबसे बड़ी पनिशमेंट लग रही है, प्लीज लंजा आई एम सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी, मैं कभी भी भूल कर भी कभी ये गलती नहीं करूंगा, तुमसे दूर होने की गलती कभी नहीं करूंगा, तुम्हें छोड़ के जाने की गलती कभी नहीं करूंगा, कसम से लंजा मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया, प्लीज लंजा तुम रो मत प्लीज लंजा। अब विंग और आंसू भरी आंखों से वांगजी को चुप करने लगता है, वहीं वांगजी जब देखता है कि उसका विंग भी उसके लिए इतनी बुरी तरह से रोने लगा, तो वो हल्का से अपने आंसू को रोकते मतलब खुद को रोकते हुए इमोशनल भरी आवाज़ में बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ ना देखकर मेरे दिल पे क्या बीती थी, तुम्हें पता है विंग अब तुम्हारे बिना यहाँ रहना कितना मुश्किल है, मैं तुम्हारे बिना अब एक पल नहीं रह सकता, और तुम्हें ये बात समझनी होगी, तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी दुनिया हो विंग, और तुम्हारे बिना अब मुझे कहीं नहीं जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाओगे ना विंग, वादा करो तुम ऐसा कभी दोबारा करने की कोशिश नहीं करोगे, जिसे विंग तुरंत वांगजी को गले लगा लेते हैं और रोते हुए बोलता है नहीं लंजा मैं कभी तुम्हारे से दूर नहीं जाने के बारे में सोचूंगा, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, मेरे लंजा को मैं इतना हर्ट कर सकता था मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मुझे नहीं पता था मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया, मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा और अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा किया, प्लीज़ लंजा तुम रो मत प्लीज़ लंजा, तुम मुझे पनिश करना चाहते हो और पनिशमेंट करो। और ये बोलने के बाद विंग जो अभी भी न्यूड है थोड़ा सा वांगजी से दूर होता है और दोबारा से वांगजी की हैंड को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखता है, बोलता है दोबारा से मुझे पनिश करो पर प्लीज़ रो मत, तुम्हारा रोना मुझे और ज़्यादा पेन दे रहा है। बेचारा विंग अब वांगजी से माफ़ी मांगने के लिए वो पेन दोबारा सहने को भी तैयार हो गया, ये देखकर वांगजी तुरंत विंग को अब सीने से लगा लेता है और बहुत प्यार से उसके माथे पे केस करता है। विंग की वो बॉडी जो अभी तक बहुत ज़्यादा हॉट थी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी वांगजी के टच के लिए जब उसे ये प्यारा सा किस उसे अपने माथे पे फील होता है, तो वो बहुत अब इमोशनल होते हुए वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है आई लव यू लंजा आई लव यू सो मच आई एम प्रॉमिस मैं अब तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचूंगा, कभी तुमसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचूंगा, प्लीज़ मुझे एक आखिरी बार माफ़ कर दो। और ये बोलने के बाद अब विंग अपनी आप वांगजी की तरफ प्रेस करके उसे बहुत ज़्यादा पैशन के साथ किस करने लगता है, वहीं वांगजी भी अब विंग को बहुत पैशनेटली गले लगा के उस किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। ये दोनों अब बहुत पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं और थोड़े टाइम में अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। इस समय विंग और वांगजी पूरे प्लेजर के साथ ये सब महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होके जिनके दिल में तड़प थी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के फील कर रहे हैं, एक दूसरे के पास हैं, इस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ विंग और वांगजी अपने अंदर पूरी तरह से गुम है, वहीं मैडम लैन बहुत ज़्यादा बेचैन है, वो बार बार विंग से मिलने की जिद कर रही हैं और उन्हें बहुत मुश्किल से जंचा वेंचिंग सॉन्गलैन और शॉन्शिन से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जंचा तो अब थोड़ा फर्स्ट्रेट होता है, ये दोनों कब रुकेंगे कब कब हार आएंगे कमरे से, अब तो रात होने वाली है, मैडम लैन की हालत देखिए
कम से कम 10 बार जिनशी के पास आई है। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाल रखा है। ये बेशरम वी विशान इतनी जोर जोर से माइनिंग कर रहा है। तुम्हारे तो ग्लैंड क्लैंड में वो साइलेंसिंग स्पेल भी तो होता है, तुम क्यों नहीं लगा रहे इस रूम पे? कहीं ना कहीं वांग जी के और विंग की आवाज़ों से फर्स्टेट होता हुआ बेचारा जंचा बोल रहा है, जिससे सॉन्गलैंड और शब देखते हैं और बोलते हैं अरे हाँ हम तो भूल ही गए, और ये बोलकर वो दोनों तुरंत साइलेंसिंग स्पेल लगाते हैं। इस पर जंचा अपनी आँखें घुमाते हुए बोलते हैं तुम दोनों इस क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, मुझे तो हमेशा डाउट होता है इस बात पे। अब शाओशिन जंचा की ऑलमोस्ट फाइट स्टार्ट ही होने वाली थी जब सॉन्गलैंड उन दोनों को रोकता है और बोलता है अब जल्दी से हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, कल के समारोह की सारी तैयारी करनी है। तुम चिंता मत करो जंचा, अब शायद मैडम लैन यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि अब वो चिंगी जिन के साथ है और वो लोग कल के समारोह की तैयारियाँ भी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। यही बोल के जंचा और ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं उन सारी आवाज़ों को थोड़ा सा शांत करके। और आज का पार्ट यहीं रुकता है, सो कल देखेंगे इस समारोह में होगा क्या। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है, जिस आई होप आप सबको ये फैन फिक्शन ने अच्छे से इंगेज किया हो, एंटरटेन किया हो। अगर किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार, 1000 लाइक चाहिए मुझे। कोई सी तो वीडियो हो जो दे जाए, कितनी सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, कम से कम 100 वीडियो है लेकिन एक भी वीडियो पे 1000 लाइक नहीं है। सोचो मुझे कैसा लगता होगा। आप आज इस चीज़ को फील करना कि जब कोई इंसान इतनी मेहनत करे, डेली वीडियोज़ बनाए, ऑफिस से फ्री होते ही बस माइक उठा के मतलब फ़ोन उठा के बैठ जाए कि उसे रिकॉर्डिंग करनी है, उस इंसान को एक बार भी 1000 लाइक नहीं मिलता तो उसे कैसा फील होगा। आप मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर और लिसनर प्लीज़ मुझे 1000 लाइक वाली वीडियो दे दो, बस यही चाहती हूँ मैं आपसे। आई होप आप समझोगे मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को एंड कल लास्ट पार्ट को सुनने ज़रूर आओगे। थैंक यू।